नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा एक शॉकिंग न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो है उत्तराखंड स्टेट है उसके अंदर एक गवर्नर के द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास करा गया है एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, और जो भी स्टेट के हमारे अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम हो रहा है उन सारे के सारे एग्जाम्स के लिए जो है यहां पर उत्तराखंड के अंदर जो है एक ऑर्डिनेंस पास करा गया है गवर्नर के द्वारा। हालांकि जो गवर्नर साहब ने जो ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस पास करा है इसकी एसेंट भी 10 फरवरी 2023 को दी जा चुकी है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। दूसरी बात यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस ऑर्डिनेंस का पूरा प्रॉपर एक नाम है, उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट ऑर्डिनेंस 2023। ये पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस का नाम है। और आप लोगों को पता होगा कि ऑर्डिनेंस और एक्ट के अंदर ये अंतर क्या होता है। एक्ट जो है हमारा पार्लियामेंट के द्वारा या जो हमारा विधानसभा होती है स्टेट लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं, इनके द्वारा पास किया जाता है। यहां पे अपना विचार विमर्श होता है कि एक हाउस के पास अपना विचार विमर्श के लिए जाएगा, दूसरे हाउस के लिए जाएगा, फिर एट द एंड प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है अपना पर्टिकुलर साइनिंग के लिए और एसेंट मिलने के लिए। फिर जब साइन हो जाता है फिर जो पब्लिश होता है ऑफिशियल गैजेट के अंदर, फिर ये पूरे भारत के अंदर लागू हो जाता है। ये हमारा एक्ट होता है। ऑर्डिनेंस जो है पास करा जाता है गवर्नर के द्वारा, ये जब पास किया जाता है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर जो है अपना सेशन के अंदर होती नहीं है और उस केस के अंदर गवर्नर साहब को लगता है कि भैया अब हमारे पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ना ऐसा कानून को अभी लागू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अगर हमने पर्टिकुलर कानून को लागू नहीं करा तो बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा, फेटल हो जाएगा। तो इसी वजह से ऑर्डिनेंस पास करके पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड के लिए जब तक राज्य स्टेट जो हमारी विधानसभा है वो सेशन में नहीं है, तो यहां पे ऑर्डिनेंस पास करके कानून को लागू किया जा सकता है, याद रखिएगा, जो अभी के द्वारा जो है किया गया है। अब इसके अंदर साफ तौर पे बोल दिया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपना एग्जाम देने जा रहा है और एग्जाम देते टाइम अगर वो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, चीटिंग करवाता हुआ पकड़ा गया, किसी की हेल्प करता हुआ पकड़ा गया या कुछ उसके पास से सब्सटेंस पाया गया, तो उस कैंडिडेट को 3 सालों की जेल होगी होगी, साथ में उसके ऊपर जो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कौन से कानून के तहत ये जो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस पास करा गया है गवर्नर साहब के द्वारा, जिसकी एसेंट भी दी जा चुकी है 10 फरवरी 2023 को। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट ऑर्डिनेंस 2023, याद रखिएगा। इतनी सी बात नहीं यहां पे बोली हुई, इसमें और भी बहुत सारी बातें बोल रखी है। एक और मैं आपको वो क्लियर तौर पे बता देता हूं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, टीचर, कोई भी एग्जामिनर अगर किसी भी कैंडिडेट की मदद करता है चीटिंग करवाने में, तो याद रखिएगा उस कैंडिडेट, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, टीचर को, जो भी हेल्प कर रहा है, एड कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी रची है चीटिंग करवाने में, तो वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को या टीचर को या एग्जामिनर को, सभी लोगों में कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाता है, मिनिमम उसको 10 सालों तक की जेल होगी और उन पर्टिकुलर जो अक्यूज पर्सन है उनकी जो है जो पनिशमेंट है वो ऊपर एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इंप्रिजनमेंट तक। और फाइन भी छोटा मोटा नहीं है, 10 करोड़ रुपए का फाइन यहां पर जो है लगाया जाएगा, याद रखिएगा, 10 करोड़ रुपीज, याद रखिएगा। और यहां पे ना बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से इस ऑर्डिनेंस को पास करा गया है। मुझे एज अ लॉ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, एज अ लॉ ग्रेजुएट मैं बात करूं, एज एन एडवोकेट मैं बात करूं, तो यहां पे जो बहुत अच्छे से यहां पे ऑर्डिनेंस को पास करा गया है। मैं बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब कोई कानून पास होता है ना, जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया या एक्स वाई जेड जो भी हमारे कानून आते हैं, तो वहां पे ना जो पर्टिकुलर ऑफेंसेस, जो पर्टिकुलर हमारा स्पेशल या लोकल लॉ कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, तो वहां पे कंफ्यूजन ही आती है कि भाई ये पर्टिकुलर कानून हमारा कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। ये बात क्लैरिटी से कोई कोई कानून में लिखी नहीं जाती है, इस वजह से हमारे को शेड्यूल 1 पार्ट 2 ऑफ सीआरपीसी को रेफर करना पड़ता है ये बात को जांचने के लिए कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस हमारा जो है ट्राइबल किसके द्वारा होगा, कौन से कोर्ट के द्वारा होगा, कॉग्निजेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल, एक्स वाई जेड, ये बात जानने के लिए यहां पे हमें पहचानी जाती है। बट हमारे इस पर्टिकुलर कानून ने बोल दिया है, इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस ने बोल दिया है कि भैया जो भी पर्टिकुलर ऑफेंसेस हमने इस ऑर्डिनेंस के अंदर बता रखे हैं वो सारे के सारे ऑर्डिनेंस हमारे जो ऑफेंसेस जो हैं वो कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे, नॉन कंपाउंडेबल होंगे। तो इसी वजह से हमारे को शेड्यूल 1 पार्ट 2 ऑफ द सीआरपीसी रेफर करने की जरूरत नहीं होती है। इस बात से मेरे को एक पर्टिकुलर एक मैक्सिम याद आ रहा है, जनरली या स्पेशली बस नॉन डेरोकेंट यहां पे एप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दी है ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी रहे। अब यहां पे जो है ना सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज डी ऑफ द ऑर्डिनेंस यहां पे बता रखा है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का हम मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। वो सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे पर्टिकुलर इस ऑर्डिनेंस से उत्तराखंड स्टेट के अंदर डील करेंगे, जो सारे के सारे एग्जाम्स स्टेट गवर्नमेंट के, डिपार्टमेंट के, कोई भी इंस्टीट्यूशन के, बॉडी के, बोर्ड के, कॉर्पोरेशन के, स्टेट गवर्नमेंट जहां पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है वहां पे जो सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो सारे एग्जाम्स हमारे इंक्लूड होंगे। तो याद रखिएगा, यहां पे अगर हमें लॉ एग्जाम्स की बात करूं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम जो हमारे होते हैं ना, एपीबी के असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स या फिर जुडिशरी के एग्जाम्स, वो भी हमारे पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस से डील होंगे, याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 12 जो है पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा
हमारा पर्टिकुलर पोर्शन है जो पनिशमेंट्स के रिगार्डिंग बात रखता है। याद रखिएगा एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी एग्जामी ठीक है जो बंदा चीटिंग मतलब सॉरी जो बच्चा जो है अपना कैंडिडेट है जो एग्जाम दे रहा है और वो अगर चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, किसी की हेल्प करता हुआ पकड़ा गया, किसी को एड करते हुए पकड़ा गया, तो उसको 3 सालों तक की जेल होगी और यहाँ पे जो है 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और यहाँ पे ना एक क्लैरिटी की बात बताऊं, यहाँ पे और वर्ड यूज नहीं करा हुआ, यहाँ पे एंड वर्ड यूज करा है कि भाई आपको जेल और फाइन दोनों लगेगा याद रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 का क्लॉज नंबर 2 भी आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है प्रिंटिंग प्रेस सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्टर ऑर्डर जो ऑर्डर करा गया कि भाई पेपर वेपर छापने के लिए जिसको अथॉरिटी दी जाती है ना जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो कहीं चीटिंग करने में एड करने में जैसे कि भाई किसी की प्रेस में न्यूज़पेपर छप रहा है, उसने क्या करा लीक कर दिया न्यूज़पेपर, उसने किसी बच्चे को बांट दिया, या जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है जो माल लेके एक जगह से कॉलेजेस में पहुंचाएगा या एग्जामिनेशन सेंटर्स में क्वेश्चन पेपर्स को पहुंचाएगा, उनमें से कोई व्यक्ति है जो ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व है तो उनको जो है 10 सालों तक की जेल होगी याद रखना, और उनके ऊपर जो है 1 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना यहां पर लगाया जाएगा। ऐसे हमारा सेक्शन नंबर 15 भी है ऑर्डिनेंस का जो प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि इसका जो पर्टिकुलर प्रोसिक्यूशन चलेगा अगर हमने कोई व्यक्ति को अक्यूज व्यक्ति को पाया कि हाँ ये पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 12 के अंदर अक्यूज है ठीक है या क्लॉज 2 में अक्यूज है, तो वैसे केस में इसकी अरेस्ट कैसे होगा, इसका कोर्ट की कानूनी कार्रवाई कैसे होगी, तो यहां पे पावर ऑफ अरेस्ट जो है पुलिस ऑफिसर्स को दी हुई है और यहां पे पुलिस को और अथॉरिटी दे रखी है कि अगर पुलिस को लगता है कि यार ये व्यक्ति यहां पे चीटिंग कर रहा था मतलब कि यहां पे अगर रंगे हाथ पकड़ा गया तो बात अलग है, अगर यहां पे पुलिस को रीजन भी है ना, अगर पुलिस के पास भरोसा भी है कि हां ये व्यक्ति चीटिंग कर रहा था तब भी पुलिस जो यहां पे अरेस्ट कर सकती है एज पर सेक्शन नंबर 15 ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस याद रखिएगा। अब इसके अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज रीजन टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी वेदर, हाँ यहाँ पे भी इसके अंदर सिंपल सी यही बात करके, और सेक्शन नंबर 16 में जो है एक और पावर दे रखी है कि प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे अटैच कर लिया जा सकता है किसी भी स्पेशल कोर्ट के द्वारा कि मान लेते हैं अगर कोई फाइन पे नहीं करता है और यहाँ पे अगर फाइन पे नहीं करता है तो ऐसे केस में अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं तो वो प्रॉपर्टी भी अटैच करवा सकते हैं याद रखिएगा एज पर सेक्शन नंबर 16 के तौर पर यहाँ पे क्लियर तौर पर बताया हुआ है। और यहाँ पे सेक्शन नंबर 23 बेस ऑर्डिनेंस का जो बात करता है कि नो इंक्वायरी और अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द अथॉरिटी, कि मतलब कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंक्वायरी लेने की जरूरत नहीं है, भैया सीधा प्रोसिक्यूशन करो, सीधा कार्रवाई करो, सीधा मैजिस्ट्रेट को ऑर्डिनेंस लेंगे। और यहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब जो है यहाँ पे याद रखिएगा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से लेकर हमारे जो कोर्ट सेशन तक जजेस बैठते हैं वो यहाँ पे जो पर्टिकुलर केस की कार्रवाई नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लियर तौर पे बोल दिया कि भैया ये जो पर्टिकुलर केस का जो प्रोसिक्यूशन है ना ये कॉग्निजेंस है, ये कॉग्निजेंस लिया जाएगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा, हम जो स्पेशल कोर्ट का गठन करेंगे, या आपको भी पता होगा ना कि कोई पॉक्सो का केस आता है तो पॉक्सो के लिए स्पेशल कोर्ट बना रखी है वहां पे केस भेजेंगे, वहां पे जो जजेस बैठते हैं वो हमारे कोर्ट ऑफ सेशन के जज बैठते हैं, आप लोग इस बात के बारे में अच्छे से बात जानते होंगे, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज उनमें से कोई भी जज को हम स्पेशल कोर्ट के अंदर बिठा देते हैं पॉक्सो केसेस को डील करने के लिए, वहां पे केस को भेज दिया जा सकता है कॉग्निजेंस के लिए स्पेशल कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो, बट ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट होती है या कोर्ट सेशन की कोर्ट होती है वहां पे केस नहीं जाएगा प्रोसिक्यूशन के लिए याद रखिएगा, क्लियर शब्दों में आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में एक लास्ट क्वेश्चन मैं और क्लियर कर देता हूं कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस है ये पास करने की नौबत क्यों आई, क्या रीजन था पास करने का, भाई देखिए उत्तराखंड बेरोजगार यूनियन के द्वारा जो है बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट चल रहा था कि उनका कहना था कि भैया ये जो पेपर है ना ये लीक करे गए हैं ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पेपर लीक करे गए हैं और उत्तराखंड बेरोजगार यूनियन जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए ऑर्डिनेंस का पास करना जाना बहुत जरूरी था, इसलिए ऑर्डिनेंस पास करा और अपनी स्टेट के अंदर एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बतानी थी। ऑर्डिनेंस जो है ऑफिशियल मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा और थोड़ा सा अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जरूर बताइएगा, पढ़ाई अच्छे से करिए और चीटिंग वीटिंग पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, बस अपने आपको काबिल बनाइए तो आपको एग्जाम इजिली क्लियर होगा, चीटिंग वगैरह का ख्याल आपका दिमाग में आएगा ही नहीं, और अब तो ये ऑर्डिनेंस आने के बाद वैसे भी नहीं आएगा जैसे मैंने आपको अपने स्टूडेंट्स बता चुका हूं बहुत ध्यान से याद रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोगों को अवेयर जरूर करेगा, वीडियो को शेयर करने के बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।